हेलो एवरीवन, एसएससी सीजीएल के लिए हमने एक मैथ्स की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें सीरीज 1, 2, 3 में मैंने 38 क्वेश्चंस करवाए थे मैथ्स के, और ये वो क्वेश्चंस थे जो एग्ज़ाम में पूछे गए थे और जिनके या फिर जिनके आने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। आज की जो क्लास है वो सीरीज 4 है और 39 से हम इसमें स्टार्ट करेंगे। मैं अंजलि शर्मा, चलिए आपकी क्लास स्टार्ट करते हैं। और इसको देखने से पहले आप लोग पहले वाली सीरीज ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप पूरी सीरीज़ को देख लेंगे तो पूरा रिवीजन मैथ्स का बहुत अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि इसमें वही क्वेश्चन है जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए कि क्वेश्चन नंबर 39 में बोल क्या रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए, अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी ताकि आपको वो चीज़ें क्लियर हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि द एरिया ऑफ अ सर्कल इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। तो सबसे पहले अगर हम फिगर बना लें तो हमें बहुत सारे फंडे क्लियर हो जाते हैं। इसका एरिया जो है वो कितना दिया है, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, ठीक है। इट्स कॉर्ड इज 10, कॉर्ड ये दे रखी है जिसकी टोटल लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर हमने इसको ए बी मान लिया कॉर्ड को और सेंटर को मान लिया ओ, और इसमें निकालना क्या है, द डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से इसकी कॉर्ड की डिस्टेंस। तो यहाँ पे अगर हम डिस्टेंस को सी, पॉइंट को सी मान लें, तो हमें निकालना क्या है, ओ सी निकालना है, मतलब ओ सी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब अगर हम इसको ज्वाइन कर दें और ये बन, ये है रेडियस आपकी, ओ बी रेडियस है, तो पहले हम रेडियस निकाल लें फिर इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, ठीक है। तो रेडियस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एरिया आपको गिवन है, इससे रेडियस निकाल लीजिए। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो एरिया आपका गिवन है 616 इज इक्वल टू पाई का मतलब 22/7 और आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 616 इंटू 7/22। अब इसे 2 से कट करिए, 2 × 3 = 6, 2 × 8 = 16, 11 से कट कर दीजिए, 11 × 2 = 22, 28, ठीक है। 28 के फैक्टर करिए, 7 × 4, और जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो दो दो के पेयर बनेंगे तो आर कितना हो जाएगा, 7 × इसका स्क्वायर रूट 2, यानी कि 14 सेंटीमीटर क्या हो गई, रेडियस हो गई इसकी, ठीक है। तो ये हो गई आपकी 14 सेंटीमीटर की रेडियस। अब आपको क्या करना है, ये निकालना है डिस्टेंस। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, ट्रायंगल कौन सा लेंगे, अब हम इन ट्रायंगल ओ सी बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर, बस लगा दीजिए, 14 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर आपको निकालना है, मतलब ओ सी स्क्वायर और प्लस, देखिए ये टोटल जो कॉर्ड है वो 10 है, तो यहाँ तक इसकी हाफ हो जाएगी, तो 10 का आधा होता है 5, तो यहाँ पर हम लेंगे 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये आ गया 196, 14 का स्क्वायर और माइनस 25 कर देंगे यहाँ, तो ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, ओ सी स्क्वायर की, माइनस करिए इसको कितना आ जाएगा, 171, तो ओ सी कितना आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 171, मतलब ये आंसर हो गया, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, क्लियर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 40th, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए विच इज बेटर डिस्काउंट, बेटर डिस्काउंट कौन सा है, पहला 15% एंड 15% है कि 25% एंड 25% है या 30% का डिस्काउंट बेटर है। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर हम इनको टोटल करके देख रहे हैं तो इसमें भी 30 आ रहा है, इसमें भी 30 आ रहा है, ये तो 30 दिया ही है, ठीक है। तो हमेशा सिंगल डिस्काउंट बेस्ट डिस्काउंट होता है, ठीक। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर ये आना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर वैल्यूज़ अलग अलग हों तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, मैं इसी को सॉल्व करके बताती हूँ कि अलग अलग डिस्काउंट अगर ये दे रखा है तो इस पर कितना आएगा सिंगल डिस्काउंट। ये सिंगल दिया है, सिर्फ इन दोनों को सॉल्व करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी माइनस ए बी बाई 100। ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब आपको सिंगल डिस्काउंट निकालना हो परसेंटेज में, ठीक है, डिस्काउंट इन परसेंटेज। तो अब आपको क्या करना है कि ए पहले वाले केस में ए 15 लेना है, बी भी 15 लेना है, तो कितना हो जाएगा, 15 प्लस 15
-15 × 15/100 दैट इज इक्वल टू 30 माइनस, अब इसका स्क्वायर कितना होता है 225/100 मीन्स 30.00 में से 2.25 माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 7 और ये कैरी चला गया 9 में से, ये गया 7 और ये 27.75% ये हो गया सिंगल डिस्काउंट फर्स्ट के केस में, ठीक है। अब सेकंड केस की अगर बात करें तो ए हो गया, फिर से सेम फॉर्मूला लगाएंगे, ए 25 बी 5 माइनस 25 × 5/100, ठीक। अभी क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे, 30 25 125 अपॉन 100, मतलब 30 में से 1.25 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर तो हो गया 75 और ये बचा 9 में से एक माइनस करेंगे तो आ जाएगा 8 और 2 28% के डिस्काउंट मिलेगा और इसमें 30% का फ्लैट डिस्काउंट दे रहे हैं, इसलिए बेस्ट डिस्काउंट यही होगा, ये आंसर करेक्ट हो गया, क्लियर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। देखिए ये एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है और ये सॉल्व करने के लिए सिंपल आया। देखिए पाई इज इक्वल टू क्या लगा देंगे, 180 डिग्री, पहले हम इसमें पुट कर देते हैं और इसको सॉल्व करना है, सिंपल कुछ नहीं करना है। 180 डिग्री अपॉन 6 माइनस sec 180 डिग्री अपॉन 6, ठीक है, 6 × 3 = 18, ये देखिए 30 डिग्री आ गया, तो tan 30 डिग्री माइनस sec 30 डिग्री। अब tan 30 की वैल्यू क्या होती है, √3, ठीक है। इसमें हमने टेबल बनवाई है, फॉर्मूले रूल सारे बताए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के, वो वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, ट्रिक्स भी बताई हैं कैसे याद करना है। और sec 30 क्या होता है, देखिए cos 30, जो cos 30 क्या होता है, sin 60 होता है √3/2, ठीक है, और sec क्या हो जाएगा इसका उल्टा, तो sec 30 कितना हो जाएगा 2/√3, तो 2/√3 यहाँ पर पुट कर दीजिए। अब LCM ले लीजिए √3 और सिंपल सॉल्व कर दीजिए इसको, -1/√3, डायरेक्ट भी देखिए यहाँ पे क्या आ जाता है, -1/√3, ये आंसर हो गया, क्लियर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, 42। इफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 4% पर एनम इज 102, ठीक है, फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम टाइम। कंपाउंड इंटरेस्ट, पहले तो क्वेश्चन समझिए इसमें दिया क्या है। इफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, पहले तो लिखिए 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है ₹102 और रेट कितना दिया है 4%, निकालना क्या है, फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेम टाइम। सेम टाइम मतलब 2 ही साल का निकालना है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो पहले हमको पी चाहिए, अब पी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पी निकालने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, देखिए बहुत बढ़िया तरीका बताते हैं आपको। पहले तो देखिए एक फॉर्मूला होता है ए इजिकल टू पी अपॉन पी 1 + R/100³, ठीक है, और ए इजिकल टू क्या होता है, सी आई मतलब प्लस पी, मतलब इंटरेस्ट प्लस पी इजिकल टू अमाउंट, ठीक है। ठीक है, और एक शॉर्टकट फॉर्मूला है जो केवल 2 साल के लिए लगता है, वो क्या है, वो फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट इजिकल टू 2R + R²/100% × P। लेकिन ये फॉर्मूला केवल 2 साल के लिए लगता है, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है 102, ठीक है, और ये आपका R दे रखा है 2 × 4 + 4² / 100% का मतलब 1/100 और × P। तो अभी इसको सॉल्व करके हम P निकाल लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, 102 = 4 × 8 16/100 × 1/100 × P। अब इसे सॉल्व करिए, 102 =
8.16 हो गया इन दोनों को सॉल्व करके, इंटू 1/100 आ गया, इंटू पी आ गया। अब पी कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 102 इंटू 100 अपॉन 8.16। ठीक है, 8.16 कहाँ से आया था, 16/100 था, जिसमें दो जीरो इधर शिफ्ट हो गए थे, यहाँ पे 8.16 है। क्लियर, अब हमको क्या करना है, सिंपल इसको सॉल्व कर लेना है और सॉल्व करके आपका पी आ जाएगा। लेकिन ये फॉर्मूला आप तभी याद करिए जब 2 years होगा तभी ये लगेगा, लेकिन इससे करेंगे तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं और इससे हम पी निकाल लेते हैं। तो पी कितना आ जाएगा, इससे सॉल्व करिए, 00 लग गया और ये कट हो जाएगा, 2 से कट कर दो, 2 चौक 8, 2 8 16, 2 5 10, 2 1 2, फिर ये 2 से कट हो गया, 2 2 4, 2 चौक 8, 2 5 10, 3 0, फिर ये 2 से कट हो गया, 2 1 2, 2 2 4, 10 2 5 100, और ये कट हो जाएगा 5 2 10, 2 बार पूरा। ठीक है, 2 1 2, 5 2 10, और ये कितना हो जाएगा, 2 1 2, 2 2 4, 2 5 10, 1250। पी कितना आ गया, 1250, 1250 आया। अब इसी का एस आई निकाल लो, तो एस आई इज इक्वल टू कितना होता है, पी इंटू आर। अब रेट आपका 4 ही है, सेम टाइम सेम रेट, इंटू टाइम अपॉन 100। ठीक है, 2 years फॉर द रेट ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, क्लियर। चलिए, 0 से 0 कट गया, 2 5 10, 5 से कट गया, 25, 25 चौक 100। ठीक है, 25 चौक 100 हो गया, तो 100 इसका सिंपल इंटरेस्ट आ गया, इतने ही रेट का और 2 years की। क्लियर, मेन चीज़ है ये फॉर्मूला। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे भी पूछ लेते हैं कि सिर्फ हो सकता है पूछ लें कि पी क्या होगा इसमें, ये तो इन्होंने और एडिशनल लगा के पूछ लिया था, तो आपने पी ये पुट किया और सेम रेट और सेम टाइम का निकाल लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। साइन थीटा इज 4/5, 10 थीटा - 4 थीटा। देखिए दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो हम इसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 लेके निकाल लें, तो इससे कॉस थीटा निकल आएगा, फिर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। या फिर हम एक काम कर सकते हैं कि अगर हम इस तरीके से बनाएं, और जैसे हमने बताया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, सोना चांदी तोले, तो अभी इसमें साइन क्या है, देखिए साइन यहाँ पे दे रखा है 4/5, तो साइन है P/H, तो ये P हो गया, ये H हो गया, तो ये 4 हुआ परपेंडिकुलर और ये H हो गया, ये थीटा हुआ, तो अगर ये 4 या 5 है तो ये 3 होगा। ठीक है, तो इसमें अगर हाइपोटेन्यूस 5 है तो इन दोनों में से कोई एक 4 होगा, ये 3 होगा, अगर ये 4 होता तो ये 3 होता। ठीक है, ये 90 डिग्री होगा, तो अभी इससे हमारी तीनों वैल्यूज आ गई हैं। ठीक, अब 10 क्या होता है, देखिए 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि 4/5, अब हम यहाँ पे पहले लिख देते हैं 10 थीटा - cot थीटा, तो 10 थीटा कितना है 4/3, और cot थीटा कितना है, cot थीटा ये होगा cot sec और cosec, तो B/P, तो 3/4, एलसीएम ले लीजिए, 3 × 4 = 16 - 9। ठीक, और बस सॉल्व कर दीजिए इसको, सेवन अपॉन 4 × 12 ये आंसर आ गया। ठीक है, मतलब कोई भी वैल्यू यहाँ पे 10 और cot देती, मान लो sec दे देते, cosec दे देते, sin दे देते, या जो भी वैल्यू देते, तो आपको सिंपल वहाँ इस तरीके से निकाल लेते और डायरेक्ट पुट कर देते। क्लियर, बस आपको मेन चीज़ ये याद करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है, समझ लीजिए, द हाइट और एंड रेडियस ऑफ अ कोन इज 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो पहले तो कोन बना लें ताकि चीज़ें अच्छे से लिख पाएँ, तो रेडियस कितनी दे रखी है और हाइट कितनी दे रखी है, पहले हाइट दी है इसका मतलब 8 जो है वो हाइट हो गई 8 सेंटीमीटर, और रेडियस है 6, यानी कि ये 6 सेंटीमीटर हो गई। क्लियर,
अब आपको बताना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होता है, पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर, ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, ठीक है। अभी देखिए ये आ गया आपका, और इससे पहले तो हम एल निकाल लें, एल मतलब स्लैंट हाइट, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए इसमें, या फिर एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो इससे आपका आ जाएगा एट स्क्वायर प्लस सिक्स स्क्वायर, यानी 64 प्लस 36 100 आ गया एल स्क्वायर, तो एल कितना हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 100 मीन्स 10, यानी एल हो गया 10, ठीक। अब ये 10 उठा के यहाँ पुट कर दें, डायरेक्ट टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, यहाँ पुट कर रहे हैं पाई की वैल्यू 22/7 और आर है आपका 6 ब्रैकेट एल प्लस आर मतलब 10 प्लस 6, बस सॉल्व कर दीजिए 16, ठीक है। अब ये कट तो होगा नहीं, आपको सिंपल इंटू करना है और 7 से डिवाइड कर देना है, इन तीनों को इंटू करिए और 7 से डिवाइड कर दीजिए, जो भी आएगा वो आंसर आपका होगा। आप लोग बताइएगा कि इसका आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पे कैलकुलेट करके निकाल लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज 18 डिग्री, ठीक। अब सेक्टर क्या होता है, देखिए ये सेक्टर है किसी भी सर्कल का, ये वाला पार्ट ये 18 दे रखा है, 18 डिग्री, और एंड लेंथ ऑफ आर्क दैट सेक्टर इज, लेंथ ऑफ आर्क का मतलब ये एल दे रखा है 23.1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की। फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, मतलब इस एरिया ऑफ सर्कल बताना, ओके एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सेक्टर भी पूछ सकते थे, यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल पूछा गया है, क्लियर। तो अभी आपको क्या करना है, इससे पहले आप रेडियस निकाल लीजिए, जो रेडियस आ जाएगी बस एरिया ऑफ सर्कल लगा दीजिएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो एल इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री, ये होता है फॉर्मूला, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू ये पाई आर थीटा अपॉन 180। अब यहाँ पर दे रखा है 23.1 इज इक्वल टू 22/7, हम पाई की वैल्यू अगर पुट ना करें और आर को पाई के फॉर्म में ले आए तो शायद है पाई से पाई कैंसिल भी हो सकता है, ठीक है। तो पाई को हम एज इट इज रहने देते हैं, इंटू आर इंटू थीटा 18 डिग्री अपॉन 180, ठीक है, हमने अभी पाई की वैल्यू नहीं लगाई है। और पाई आर की वैल्यू अब कितनी आ गई, इससे इंटू करेंगे तो 231 आ गई पाई आर की वैल्यू, ये हो गई क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि एरिया ऑफ सर्कल लेना है, ठीक, एरिया ऑफ सर्कल, रेडियस तो निकल आएगी इससे, तो एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है पाई आर स्क्वायर। तो देखिए हमने पाई आर की वैल्यू निकाली, अगर हम इसको ले लें पाई आर इंटू आर, तो पाई आर की वैल्यू तो हम लगा दें ये, ठीक है, लेकिन आर की वैल्यू हमें चाहिए होगी, तो हम क्या करें यहाँ पे पुट करके कैलकुलेट कर लें, हो सकता है सारी वैल्यूज कैंसिल हो जाएं। चलिए थोड़ा छोटा हो जाएगा, 231 यहाँ पे लिखेंगे 22/7 और यहाँ हो जाएगा 7/22, ठीक है। 11 से कट जाएगा, 11 2 22, 11 एकम 11, 11 2 22, यह आ गया 21 × 7/2, ये आ गई आर रेडियस, और ये वैल्यू उठा करके यहाँ पुट कर दो, छोड़ो तो ये वैल्यू यहाँ ले लें 22/7 और आर स्क्वायर मतलब 21 × 7/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। मतलब हमने आर की वैल्यू निकाल ली, यहाँ पे नहीं पुट की थी लेकिन बाद में वैल्यू पुट करके इसे सॉल्व कर दिया और ये वैल्यू उठा करके हमने यहाँ पे पुट कर दी। अब हमें क्या करना है, ये 22/7 × 21/2 × 7, दो बार लिखना पड़ेगा हमें ये 21 × 7, 21 × 7/2 और 21 × 7/2 क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है। अब कुछ कट रहा है इससे, कुछ कट तो रहा नहीं है, 7 से 7 कट गया, बस 2 से ये कट गया,
अब इसको सबको इनटू करना पड़ेगा, बस ये आंसर आएगा। 21 का स्क्वायर होता है 441 और 11 इंटू 7 हो गया 77। ठीक है, इनको इनटू कर दीजिएगा, जो भी आएगा आपका आंसर आ गया, मतलब एरिया ऑफ सर्कल आ गया। लेकिन अभी हो सकता है कि इसमें एरिया ऑफ सेक्टर पूछ लेते, अगर एरिया ऑफ सर्कल ना पूछ के एरिया ऑफ सेक्टर पूछते तो एरिया ऑफ सेक्टर में फिर हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर में, एरिया ऑफ सेक्टर में लगाते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, हो सकता है कि नेक्स्ट में पूछ लें कि एरिया ऑफ सेक्टर बताइए, तो इसका पूरे का एरिया इसमें पुट करके आंसर आ जाता है, जहाँ थीटा आपको क्या लेना पड़ता, 18 डिग्री लेना पड़ता। क्लियर, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। देखिए 46 में एक क्वेश्चन ऐसा जरूर आएगा जो डिविजिबिलिटी टेस्ट पर बेस्ड होगा, तो डिविजिबिलिटी टेस्ट किसी का भी आ सकता है, मोस्टली 8 का पूछते हैं, 11 का पूछ लेते हैं, 24 का भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन जो डिविजिबिलिटी में बेस्ड है तो उनके फैक्टर निकाल के करना है, तो ये वाले वीडियो देख लीजिएगा जिसमें डिविजिबिलिटी रूल कराए हैं, नंबर सिस्टम का पार्ट है ये। ठीक, अब जैसे 47 क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है और इसमें गलत होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है, इसको सिंपल सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, लेकिन एक्स स्क्वायर की, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इसको लिखना पड़ेगा, यानी इसको जब हम ब्रेक करेंगे, फैक्टर्स करेंगे, तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस, या हम इसको डायरेक्ट लिख दें, एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर, क्योंकि जब ओपन करेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, और ऊपर को जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये दो बार हम लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन, और ये आ गया आपका एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन। ठीक है, अब ऊपर फॉर्मूला लगा दें, एक्स माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और इसमें भी यही लगेगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वन इंटू, नीचे हमने एज इट इज़ उतारा, देखिए ये दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों कैंसिल हो गए, कितना बचा आपका, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ये आंसर आ गया, देखिए ये और ये। क्लियर, ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की, वेरी इंपॉर्टेंट, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, थीफ वाला क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो इसको तरीका सीख लीजिए। अ थीफ इज स्पॉटेड बाय पुलिस, द डिस्टेंस बिटवीन थीफ एंड पुलिस इज 100। देखिए हम आपको फिगर बना के बताते हैं, ये पुलिस है, ये थीफ है, दोनों के बीच के डिस्टेंस 100 मीटर है, और पुलिस ने भी दौड़ना शुरू किया, सपोज यहाँ पे पकड़ लिया उसको एक्स मीटर के बाद, और स्पीड दे रखी है पुलिस की 10 किलोमीटर पर आर, और थीफ की स्पीड दे रखी है 8 किलोमीटर पर आर। ठीक है, पूछा क्या गया है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय थीफ ओवरटेकिंग बाय द पुलिस, थीफ ने कितनी डिस्टेंस कवर की पकड़े जाने से पहले। ठीक है, तो अभी इसमें हमने ये फिगर बना दिया, अब इसमें देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जितनी देर तक पुलिस भागी है उतनी देर तक चोर भागा है। क्लियर, तो क्या होगा, टाइम टेकन बाय पुलिस, टाइम टेकन बाय पुलिस इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय थीफ। ठीक है, अब देखिए टाइम कैसे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्लियर, अब पुलिस ने कितना टाइम लिया यहाँ से निकालिए, तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर की पुलिस ने, देखिए एक तो 100 चलेगा प्लस एक्स चलेगा, यानी कि 100 प्लस एक्स, ये कवर करेगा कौन, पुलिस करेगी, और स्पीड कितनी है पुलिस की, 10 किलोमीटर पर आवर, लेकिन ऊपर तो ये मीटर में दे रखा है, तो 10 किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं टाइम थीफ ने कितना लिया, तो डिस्टेंस कितनी उसने कवर की, एक्स की, और इसकी स्पीड कितनी है, 8 है, तो ये भी 5/18 हो गया। आप देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, 5/18 से कैंसिल, 2 से कट करिए, 2 × 5 = 10, 2 × 4 = 8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5x इज इक्वल टू 400 प्लस 4x, दैट इज इक्वल टू x, 5x माइनस 4x आ जाएगा
देखिए 5x माइनस 4x, तो x आ गया, तो x इज इक्वल टू 400 आ गया। मतलब चोर जो भागा है वो 400 मीटर भागा है, तो आंसर क्या आएगा 400 मीटर। लेकिन क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता था कि पुलिस कितनी डिस्टेंस उसने कवर की, पुलिस ने कितनी डिस्टेंस कवर की, तो उस केस में क्या करना पड़ता, 100 और ऐड करना पड़ता, क्योंकि टोटल डिस्टेंस बतानी थी उसने। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन हो गया। आप 49 देख लीजिए, ये 10% है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹9,000। अ शॉपकीपर गिव्स डिस्काउंट 10% एंड गेन प्रॉफिट 10%। फाइंड मार्क प्राइस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम में जरूर आएगा, इसलिए इसको जरूर करिए। ये शॉर्टकट फॉर्मूला होता है, कॉस्ट प्राइस अपॉन मार्क प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्टेंस परसेंट माइनस 100 अपॉन प्रॉफिट परसेंट। सीधा लगा दीजिए, सीपी हो गया आपका 9,000, मार्क प्राइस निकालना है, डिस्काउंट कितना दे रखा है 10, और प्रॉफिट भी 10 दे रखा है। सिंपल सॉल्व कर दीजिए, 9,000 अपॉन MP, मार्क प्राइस यानी 90 अपॉन 110। ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 9 से ये आपस में कट कर सकते हैं, इक्वल है, तो 1000 आ गया ये। और अब इसको सिंपल मल्टीप्लाई करिए, मार्क प्राइस कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 11,000, ये आंसर आ गया। क्लियर? ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 50 समझ लीजिए। ए कैन डू अ वर्क इन 18 डेज, बी कैन डू अ सेम द सेम वर्क इन 30 डेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन। ए जो है 18 दिन में किसी काम को करता है, बी जो है वो 30 डेज में किसी काम को करता है, लेकिन क्या हुआ, ए लेफ्ट द वर्क बिफोर 16 2/3 डेज। ए इतने दिन पहले काम छोड़ के चला गया। ठीक, अब पूछा क्या गया है कि इन हाउ मेनी डेज ए डिड द वर्क, ए ने कितने दिन तक काम किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा। सपोज ए ने एक्स डेज तक वर्क किया, हमने ये अपनी तरफ से एज्यूम कर लिया, जो पूछा जाए उसको एज्यूम कर लीजिए। ठीक है, एक्स डेज तक वर्क किया, तो एक्स डेज तक अगर ए ने वर्क किया तो बी ने भी तो किया, तो एक्स डेज तक किसने किसने वर्क किया, ए प्लस बी दोनों ने वर्क किया इन एक्स डेज। ठीक है, ए एंड बी इन एक्स डेज, और बाद में किसने किया, बी ने किया, क्योंकि ए तो चला गया, तो बाद में बी ने किया, कितने दिन किया बी ने किया 16 2/3, और टोटल वर्क कितना था, 1 वर्क, एक काम पूरा लेके चलते हैं। ठीक है, अब ए की वैल्यू कितनी है 1/18, और इसकी 30 हो जाएगी इंटू एक्स प्लस 16 3 48 49 50 अपॉन 3, और बी की वैल्यू कितनी है 1/30 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर दीजिए, 18 5 90, ठीक है, 5 3 3 9 कितना आ गया 0 0 5/9, तो ये हो जाएगा 8 अपॉन 90, एक्स इज इक्वल टू 1 - 5/9। देखिए इधर ले गए हम इसको, इसको सॉल्व करेंगे, 4/9 आ गया, इससे हम x निकालेंगे, तो 4/9 इंटू इसका रेसिप्रोकल 90 अपॉन 8। ठीक है, ये कट गया, 10 4 2 8 2 5 10, 5 डेज, मतलब a ने जो वर्क किया है वो 5 दिन काम किया है उसने। क्लियर, तो ये आपका आंसर आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देख करके जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC इजिकल टू 405 आपको दे रखा है। ए प्लस बी प्लस सी इजिकल टू 15 दे रखा है। फाइंड ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर माइनस प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये निकालना है। तो ये शॉर्टकट फॉर्मूला होता है, इसको आप याद कर लीजिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC इजिकल टू 1/2 ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट, ये लिखा हुआ है, ठीक, जो हमें निकालना है। ठीक, तो आप इसे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दें, इसको लर्न कर लीजिएगा।
ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी, पूरे की वैल्यू दे रखी है 405। ए प्लस बी प्लस सी दे रखा है 15। ये निकालना है क्योंकि इसको हम एक बार लिखेंगे, क्योंकि ये फाइंड करना है हमको सिंपल, हमें कैलकुलेशन सिर्फ इधर की करनी है, सिर्फ इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये इस यहाँ जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा यहाँ, यानी कि 405 इंटू 2/15 को सॉल्व करना है, ठीक। तो 15 दूनी 30 अगर हम कर दें तो यहाँ बच गया 10, 15, 3 से कट करो पहले, 3 बचे 15, 3 एकम 3 बच गया कितना 1, 3 3 9, 3 बचे 15, 5 से कट कर दो, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, मल्टीप्लाई कर दो, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 एक 5, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, मतलब इसकी वैल्यू सिर्फ जो आई है वो ये आई है और यही पूछा गया है आपसे ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट है। साइन थीटा दे रखा है 3/5, फाइन टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, ऐसा क्वेश्चन मैं अभी पहले भी करवा चुकी हूँ, तो इसमें वैसे ही करना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, आप लोग कर लीजिएगा। साइन थीटा दे रखा है 3/5, वही ट्राइंगल बनाना है परपेंडिकुलर, क्या क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हरल बोले, ठीक है। तो ये हो गया परपेंडिकुलर 3, ये हो गया 5, तो ये हो जाएगा 4, और इसमें फॉर्मूले में पुट कर दीजिएगा, आंसर निकाल लीजिएगा, जो भी होगा डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। और ऐसा ही क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ, वहाँ शायद ये माइनस था और यहाँ पर प्लस है, तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद करिएगा, इसका आंसर बताइएगा कितना आ रहा है, ठीक है। तो आज की इस क्लास में 52 क्वेश्चंस तक हो गए हैं, और बाकी बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे वाले क्वेश्चंस अपलोड करेंगे। मैं ये वीडियो यहीं ओवर करती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम फॉर योर सिलेक्शन। जय हिंद जय भारत।